वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज़ आप लोग कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ। और गाइज़ आप लोगों को आज पता है, आज है छठ पूजा का डे फर्स्ट, जिसमें कि आज जो जो व्रत करते हैं वो आज नहा के खाना खाते हैं। और उसमें वो क्या होता है, वो एक सब्जी होती है कद्दू या घिया कहते हैं, घिया चावल खाएंगे। और आज से उनका वो शुरू हो गया फास्ट नहीं है, आज फास्ट तो कल से होगा। तो वो है, तो आज मम्मी का है, तो मम्मी ना थोड़ा लेट से नहाएंगी और खाएंगी। और क्या कहते हैं, वैसे भी मेरी मम्मी ना रोज़ ही नहा के ही खाना खाती है, क्योंकि पूजा करनी होती है ना इसलिए। तो अभी मम्मी बहुत सारे कंबल धोने जा रही हैं, क्योंकि मम्मी व्रत करेंगी तो जूठे जो भी है ना कंबल वगैरह, इसीलिए उनको धोने जा रही है। तो बहुत सारे कंबल है, चद्दर है, और जो तकिए का कवर होता है वो सब धोना है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मशीन में कपड़े आज कपड़े नहीं धुल रहे, पर फिर भी यार कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। पर मम्मी कह रही है कि मैं आज कपड़े नहीं धूँगी। और पता है क्या आप लोगों को, कल हमारे इधर साइड ना पानी भी नहीं आया, तो ये तो अच्छी बात है कि मेरे घर में खारा पानी आता है, जिसकी वजह से काम हो जाएगा। तो हम आज कंबल धोने वाले हैं, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मशीन में मैंने लगा के रख दिया, उसमें थोड़ा पानी भरना है, फिर मैं आपको दिखाऊँ। देखो मैंने मशीन में कपड़े रख दिए हैं, कपड़े नहीं है गाइस, कंबल है। और मैं इसमें पाइप लगा रही, पानी जाएगा जिससे। और अब हम कपड़े धोएंगे। और पता है गाइस, आपको पता है कि खारे पानी से इतने अच्छे से कपड़े नहीं साफ होते हैं, पर फिर भी मजबूरी में धोना पड़ रहा है। तो मैंने पाइप लगा दिया, अभी मैं पानी पाइप चालू कर, मैंने मोटर चालू कर दिया, इसमें पानी आना शुरू हो गया, जब तक ये भर जाएगा। और गाइस मैं आपको दिखाऊँ, इसमें ना दो कंबल रखे हुए हैं, अभी तो दो ही कंबल रखे हैं और फिर भी ये भर गया। मम्मी ने पता नहीं इसकी शर्ट क्यों रख दी है। मैं पहले ये दो कंबल रखे हैं, फिर चद्दर है और तकिए के कवर हैं, बहुत सारे हैं। जब ये धुल जाएगा तो इसलिए कह रही ना कि मशीन में ही ये ड्राई कर देंगे, बट ये मशीन में ना ड्राई नहीं होगा, क्योंकि उसका जो स्पेस होता है ना ड्रायर का, वो कम है और कंबल वो है बहुत बड़ा है, इसीलिए हम नहीं सुखा पाएंगे। देखते हैं अगर ये सूख जाएगा। और आज मौसम भी वैसा हो गया, धूप भी आज उतनी अच्छी खासी नहीं है, नॉर्मल धूप है। तो इसमें अब मैं वॉशिंग पाउडर डाल देती हूँ। चलो गाइस मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ और घर में नई बेडशीट बिछा देती हूँ। तो चलो अब अपना बेडशीट बिछा लिया है इसके ऊपर। अब मेरे को पूरे घर में झाड़ू लगानी है, और उसके बाद मेरे को पोछा लगाना है, फिर घर में बर्तन धोना है, और बर्तन धोने के बाद जो कपड़े हैं उनको धोना है, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी। तो गाइज अब मैंने इस रूम में झाड़ू लगा लिया, मुझे बाहर लगानी है झाड़ू। और मम्मी ने ना उन दोनों रूम में लगा दिया होगा शायद, फिर भी मुझे लगाना पड़ेगा। और वो रूम जो साइड वाला है ना, वो वाला रूम आज धुला जाएगा, क्योंकि उसी रूम में पूजा का सामान रखा जाता है ना इसलिए। तो देख आती हूँ मेरी मशीन भरी है या फिर नहीं। तो गाइस मेरी मशीन भर चुकी है, और मैंने मशीन चालू कर दी है कपड़े धुलने के लिए। अब उसमें वो कपड़े धुल रहे हैं कंबल, फिर उसके बाद वो धुलती रहेगी, मैं अपना इधर सारा काम निपटा लूँगी जब तक, ठीक है। फटाफट से मैं अपना काम कर लेती हूँ। गाइज मैं काम वाम करके ना मैंने खाना खा लिया था, फिर खाना खाने के बाद मैंने पानी लगा रखा था नहाने के लिए, तो मैं नहा के फिर मैं ना थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। तो मैं रेस्ट करते करते ना
मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एक चीज़ से, इसीलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रही थी। और गाइज मेरा मन भी नहीं कर रहा था, तो मैं फ़ोन चलाने लगी थी। तो मैं फ़ोन चलाते चलाते मैं थोड़ा सा यूं ही बैठ गई थी, फिर मेरी मम्मी सो के उठ गई थी, तो हम लोग मैं फिर छत पे आ गई थी, कंघी कर रही थी अपने बालों में। अब मैं ट्यूशन जाने के लिए तैयार हुई हूँ, तो अब मुझे ट्यूशन जाना है, कंप्यूटर क्लासेस के लिए मेरे को जाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगी, फिर आऊँगी मैं 7 साढ़े 7 बजे तक मैं आ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके फिर जाऊँगी कहीं आउटसाइड में, मार्केट भी जाऊँ। तो चलो गाइस ट्यूशन चलते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, छठ पूजा का ना हमारे यहाँ पे इकट्ठा, खुद की ट्यूशन से आने के बाद मैंने घर का थोड़ा सा काम वाम किया, मैंने आटा गूंदा था, फिर खाना बनने के बाद फिर जाके मैं थोड़ा सा काम करने लगी थी, फिर खाना बन गया था, तो मम्मी मेरी मार्केट गई थी वहाँ से कुछ लाने, फिर अब मैंने खाना खा लिया, मैं जा रही हूँ सोने। और गाइज आज हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें, क्योंकि मेरा ना सब कुछ जो भी कुछ है ना वो सब उसी से चलता है, इसीलिए वाईफाई से, यहाँ यहाँ तक कि हमारी टीवी भी वाईफाई से ही चलती है, इसलिए हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइज देखो, एक पिंपल ये रहा, एक ये रहा, और यहाँ पे तो जितना चाहिए उतना है, अनलिमिटेड। पता नहीं यार मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल्स क्यों आते हैं, अगर किसी को कुछ पता है तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और गाइज आज के ब्लॉग के बारे में भी मुझे आज ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, किस किस ने किया ये छठ पूजा का फर्स्ट डे जो करते हैं। और गाइज कल है सेकेंड डे, तो मैं आपको कल का दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलो बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।